जितने भी औरंगाबाद के हो, मराठवाड़ा के हो, महाराष्ट्र के हो, तेलंगाना के बच्चे हो, उन्हें वहां पर जिस तरह की मदद कर रहा है, मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे लंदन जाते हैं, हर एक की जबान पे यह होता है कि हम वहां पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकालते हैं, किसी ना किसी के भाई का एक कनेक्शन निकालते हैं और वहां जाते वक्त इस बात से मुतमईन रहते हैं कि लंदन के अंदर हमारा एक घर है करके। मुझे खुद ये बात मालूम नहीं थी, बिलाल ने जब बताया 20 साल पहले जब गौहर वहां पर गया था तो एक किराने की दुकान के ऊपर, यहां से जाने के बाद हो सकता है कि गौहर उसमें भी पूरी तरह से मुतमईन हो सकता था कि वहां गौहर साहब एयरपोर्ट से लेके वो बच्चे की पूरी तालीम हासिल हुए तक और उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि वो बच्चा वहीं पर ही अगर अपने रोजगार के ऊपर लग जाए। कितने ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह, देखे अल्लाह रास्ते बनाने वाला है लेकिन जरिया अगर ऐसा हो तो आप देखिएगा कि कितने बच्चे आज यहाँ पे वहां पे तालीम करने के बाद अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी वहां पर कमा रहे थे। और जितने बच्चे यहाँ पर जाना चाहते हैं, मैं बहुत से औरंगाबाद के बच्चे और बच्चियों को पहचानता हूँ जिनकी चाह है कि वो लंदन जाके पढ़े और उनके माँ बाप उनको जाने नहीं दे रहे हैं कि बच्चा घर से दूर हो जाएगा नहीं, तो ये गारंटी मैं गौहर भाई की सर्विसेज के अगर आप दूर जाएंगे तो ये लिटरली अगर आप एक घर से दूसरे घर में भेज रहे हैं वैसा ही समझिएगा। मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसी तरह मैं जनाब अली बिन इब्राहिम मस्कती साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर मोहम्मद सदरुल हसन नदवी मदनी मैडम से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। अली जनाब नवाब बरकत आलम खान साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसी तरह सालिम बखारिया जो कि लंदन से तशरीफ लाए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और तेरी इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ हाफिज माजिद रेहान साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से आज की इस बाबरकत महफिल का आगाज करें। خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء اپنی شخصیت کی وجہ سے اپنے اخلاق کی وجہ سے लोगों के दिलों पर राज करने के लिए न सिर्फ औरंगाबाद या मराठवाड़ा बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाने जाने लगे हैं। अपने मुनफरिद लबो लहजे के लिए और संसद में यहाँ के मसाइल को बुलंद करने के लिए जोरदार तालियां बजाइए जनाब इम्तियाज जलील साहब, यहाँ तशरीफ फरमा है। आप अमीर शरीयत मरकजी अमारत शरिया महाराष्ट्र से राबता अदब इस्लामी इंडिया के सेक्रेटरी है, आप ट्रांसलेटर है अनवारुल कुरान के, आप माहिर इकबालियात भी है, शहर में एक तवील अरसे से हर इतवार को आप इकबालियात पर लेक्चर लेते आए हैं, आपने अभी तक 75 किताबें लिखी है। मैं जनाब अजहर जदी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो मौलाना सदरुल हसन नदवी मदनी साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। सर
डॉक्टर दीना सिंगर मैडम भी स्टेज पर मौजूद है। जरा मौके वो एडवोकेट फैज साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। एडवोकेट फैज साहब फाउंडर है और प्रेसिडेंट है इस्लामिक रिसर्च सेंटर के, आप मैनेजिंग डायरेक्टर है IRCTV के, शूरा है ऑल इंडिया दावा सेंटर एसोसिएशन के, आप अपने वीडियोस के जरिए पूरे मुल्क में मकबूल है, मिल्ली मसाइल और उन पर हल की रोशनी डालने की आप पूरी कोशिश करते हैं। मैं मीर फखर अली जद्दी साहब से दरखास्त करता हूं, जनाब अजहर जद्दी साहब से गुजारिश है कि वो लंदन से तशरीफ लाए, सलीम बखारिया साहब का यहां इस्तकबाल करें। मीर अजहर अस्सलाम वालेकुम। तो मैं थोड़ा जूडी ग्रुप के बारे में आप लोग को बता देता हूं कि हम लोग कैसे वर्क करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, एजुकेशन इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ सक्सेसफुल करियर, बोथ ऑफ विच टुगेदर देन फॉर्म द पिलर्स दैट अपहोल्ड द बेसिक नीड्स ऑफ अ लीडिंग ग्रेशियस लाइफ। हायर एजुकेशन सिस्टम इज क्वाइट यूनिक इन इट्स मिशन एंड स्ट्रक्चर। आई फील कॉन्फिडेंट that you can find an opportunity overseas that will offer you a quality education experience. That is the fusion of these values that led to the genesis, the Judy. So, as the employee of this organization, I am fortunate to advise for overseas education with an overall experience of more than 20 years in the student service in the field of international education. The Judy Group started the services with around the world expertise to guide the student aspirants with careful planning equipped with up-to-date research inputs which will help to choose right destination, right program, right career. From this expanded our services to the other countries like UK, Canada, Australia, New Zealand, USA, Germany and many more countries to come in the list. So basic plan hum log ka ye hoga ki jo students hai, jo aspirants hai, जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं अब्रॉड फॉर देयर हायर एजुकेशन जस्ट लाइक पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड फाउंडेशन कोर्सेस, तो उनको एक सही पाथवे नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये चीज शुरू करना चाहते हैं यहाँ पर कि एक बच्चे को सही गाइडेंस हो और सही कोर्स अवेलेबल हो उन लोग के पास चूज करने के लिए और सही पाथवे मिले। सो
So we shall assure you as the Judy group, every student dream will come true into their careers abroad being an education advisor. End-to-end services are being provided to the fullest satisfaction of the students, such as comprehensive admission counseling, career pathway counseling, pre-application process, guidance in the applications and documentation, visa counseling, air ticketing, etc. So you will be getting all the services at one stop. मतलब यहाँ पर हम लोग immigration, visa services, student और आपको बहुत सारे services मतलब air ticketing ये सब one stop पे मिलेगी आपको only at Judy Group. We are also keen in extending our services in the field of recruitment by providing professional manpower across the globe. So at the Judy Overseas Educational Consultant, we advise and counsel students which are an ultimate answer for building their career abroad. The website is made for you to understand better about the Judy Group and take fullest advantage of your career building about abroad through higher education. You may please feel free to write us or call us for the best of best education overseas through us. और एक last चीज कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो चालू कर रहे हैं that is IELTS, TOEFL, ये English languages है which are well known in other countries. मतलब ये languages आपको सीख कर कुछ other countries में जाना पड़ता है तो इसके भी क्लासेस इंशाल्लाह ऑनलाइन चालू होंगे हमारे पास और अगर किसी को फिजिकली चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे TOEFL, IELTS, GMAT, JRE ये कुछ कंट्रीज के रिक्वायरमेंट है तो औरंगाबाद में सी कुछ कमी होने के कारण बच्चे जो है पुणे जाके करते हैं कोर्सेज पुणे या बॉम्बे तो उसके सर्विसेज भी इंशाल्लाह हमारे पास चालू होंगे ओके सर Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, good afternoon. I, Hafsa Ali Jatti, daughter of Gaur Ali Jatti, am deeply honored to stand before you today as we innovate the Jatti Overseas Educational Consultancy. Thank you for gracing us with your presence. Our mission at Jatti Group is clear: to guide students toward their dreams international education. Today, we present to uphold the highest standards of integrity and professionalism. In addition to consultancy services, we will provide top-class training, international exams like IELTS, PTE, and TOEFL. Proficiency in English is crucial for success abroad, and we're committing to helping students excel. Thank you for being part of this momentous occasion. Together, let's empower students to become global citizens who will make a better tomorrow. Thank you. Allah Hafiz. Basically, जहाँ ओवरसीज में एजुकेशन की बात आती है या किसी और मुल्क में तालीम हासिल करने की बात आती है हर शख्स ये चाहता है हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे की तालीम फॉरेन कंट्री से करवाऊं उसे अमेरिका से पढ़ाऊं उसे जर्मनी से पढ़ाऊं उसे लंदन से पढ़ाऊं गुज़िश्ता 20 साल से जनाब गौहर अली जद्दी साहब लंदन में वो खुद वहां सेटल्ड है लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट्स जो के स्टूडेंट वीजा पे लंदन जाते हैं और वहां पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं तो गौहर साहब वहां पे इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है इंडियन नेशनल जितने भी है उन लोगों की एक एसोसिएशन है और औरंगाबाद बोलिए हैदराबाद बोलिए मराठवाड़ा से जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे एजुकेशन हासिल करने के लिए या आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं और अगर वो वहां कोई मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं गौहर जद्दी साहब आप लोगों को बताएंगे वो किस तरह के प्रॉब्लम्स वहां होते हैं जैसे कि कोई स्टूडेंट जाता है वहां पे स्टूडेंट वीजा पे और उसे वहां पे पार्ट टाइम जॉब करना होता है तो कई बार होता यह है कि वो जिस स्ट्रीम में उसने तालीम हासिल की है उसी स्ट्रीम उस स्ट्रीम के मास्टर्स में उसे एडमिशन नहीं मिलता लेकिन किसी और स्ट्रीम में वो एडमिशन ले लेता है गलती से एक सबसे अहम चीज है कि जितने भी कॉलेजेस में एडमिशन होते थे वो कॉलेजेस के एडमिशंस वर्ल्ड वाइड बंद हो चुके हैं अभी सिर्फ यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस होते हैं तो ये एजेंट्स की वजह से ये दोनों अपने छोटे फायदों के लिए यहाँ पे लोगों को मिसगाइड करते हैं अब यहां से आगे उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट ना हो इस मंशे से इस इंटेंशन से जस्टी ग्रुप ने औरंगाबाद ने ये ओवरसीज एजुकेशन और ओवरसीज में आप जॉब हासिल करने के लिए अगर जाना चाहते हैं अगर आप वहां पे पीआर हासिल करना चाहते हैं अगर आप वहां के रेसिडेंट बनना चाहते हैं अगर आप वहां पे नौकरी के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो हर तरह की सर्विसेज जस्टी ग्रुप आपको प्रोवाइड करने वाला है
that also on 0% charges. ये लोग स्टूडेंट से कुछ भी चार्ज नहीं करने वाले हैं. इन लोगों के वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज के साथ ऑलरेडी टाई अप हो चुका है. जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, जैसे अमान ने अभी बात की, उन लैंग्वेजेस को सीखे बगैर आप जर्मनी है, अमेरिका है, लंदन है, वहां मुश्किल हो जाता है जाना. उन लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग भी और मराठवाड़ा के या औरंगाबाद के बच्चों को यहां दी जाने वाली है. उसमें से इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एक होता है, IELTS जिसे आमतौर पर कहा जाता है, या TOEFL जिसे कहते हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, GRE है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, GMAT है, द ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, SAT है, स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, और PTE है, पर्सियन टेस्ट ऑफ पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश. तो ये मुख्तलिफ जो गेटवेज है लंदन जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, या जर्मनी जाने के लिए, या मुल्क में किसी भी कंट्री में अगर आप अपने लड़के को, अगर आप अपनी लड़की को वहां भेजना चाहते हैं, तो एक 100% असिस्टेंस जिसे हम कहेंगे, वो आपको जद्दी इंटरनेशनल या जद्दी ग्रुप यहां पे प्रोवाइड करने वाला है. इन लोगों के ऑफिसेस ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, लंदन में है, अमेरिका में है. तो जो फैसिलिटीज हमको यहां नहीं प्रोवाइड ही थी आज तक औरंगाबाद में, आज वो तमाम फैसिलिटीज यहां मिलने वाली है. मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब जद्दी साहब का, गौहर साहब का, कि उन्होंने यहां के लोगों को गाइड करने के लिए, हमारे स्टेज पे बिलाल जलील भी तशरीफ फरमा है, अगले मुकर्रर बिलाल जलील ही है. मैं खासतौर से उन्हें कहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस लंदन में, आपके जो एक्सपीरियंस थे वो माइक पर आके हम सबके साथ शेयर करें. मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा गौहर साहब को, गौहर भाई को, कि जो एक मैसेज और जो एक हम प्लान डिस्कस किया करते थे जब मैं पढ़ने गया था, तो आज वो मुकम्मल हो रहा है और आज की शुरुआत हो रही है. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि गौहर भाई के साथ कैसा था. मैं यहाँ से पिछले 2019-20 में 2021 में मैं मेरा मास्टर्स को कंप्लीट करने के लिए लंदन गया था. तो वो टाइम पर मुझे कोई आइडिया था नहीं कि भाई वहां पर कैसे हम वहां पर मैनेज करेंगे, जाएंगे कैसे, समझेंगे क्या होता है, बात कैसे करेंगे, किससे बात करेंगे. तो बस आपको एग्जांपल दे दूं कि पहले ही दिन पे गौहर भाई ने मेरी जिंदगी इतनी आसान कर दी थी, और मुझे लगा क्योंकि मैं MP का बेटा हूं तो शायद इसीलिए मेरे लिए कर रहे हैं. पर गौहर भाई, ये हर बच्चा जो औरंगाबाद, हैदराबाद, मराठवाड़ा से आने वाला होता है उनके लिए ये एफर्ट्स लेते हैं. तो शुरुआत इससे करूंगा कि जब हम हीथरो के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, लंदन का जो एयरपोर्ट है, वो आपको मैं समझाऊं, अगर हम यहाँ पर आज निराला बाजार में है तो हीथरो का एयरपोर्ट गंगापुर के आगे, मतलब कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए. तो कोई सगा भी इतना दूर ना जाए गाड़ी से पिक करने के लिए. और गौहर भाई रात के 3 बजे मुझे खुद पर्सनली पिकअप करने आए थे. जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे लगा कि क्योंकि मैं MP का बेटा हूं तो शायद गौहर भाई थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं. उसी के 2 दिन के बाद गौहर भाई ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम फिर एयरपोर्ट की तरफ निकले. तो बड़का ही गेट का एक बच्चा आ रहा था, उसको हम पिक करके लेकर आए. क्या नाम है उसका, अपना बॉक्स जिसको बोलते हैं, फैसल, भड़का गेट का रहने वाला बच्चा, वो पढ़ने आया था, वो भी लास्ट थे, उनको लेने आए थे. फिर वहां पर अपने कैसर खान साहब के बेटे तबरेज थे, वो भी एयरपोर्ट पर आए थे, उनके लिए भी गौहर भाई गए थे. और वो सिर्फ ये जो एक चीज होती है ना कि जब आप पहली बार कदम रखते हैं कोई नए देश में, तो जो पहला जो आपका नर्वस मोमेंट होता है उसको गौहर भाई इतना अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं कि फिर आपका लंदन का, UK का एक्सपीरियंस उन्होंने इतना घर के जैसा बना दिया था. बस आपका हर हफ्ता गौहर भाई पूरे औरंगाबादियों को, हैदराबादियों को अपने घर पर बुलाकर दावत रखते हैं. आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बूढ़ी लाइन में नहीं है, रोशन गेट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक मोहल्ला वहां पे पूरा औरंगाबादियों के लिए बसा के रखा है. आप कभी भी उनकी दावतों में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अब निकल के आपको लंदन घूमना है, आपको ऐसा लगेगा चलिए अब यहाँ से अब हम घर जा रहे हैं. पूरा घर का खाना वहां पर मिलता है. मुझे याद है मेरे 4-5 महीने के बाद एक दिन मैं बोल रहा था कि घर के खाने की याद आ रही थी, तो गौहर भाई के घर में गया वापस एक दिन, तो उन्होंने मुझे वहां पर मिर्ची का सालन और खिचड़ी और गोश्त का सालन, और अब बाजार इतनी मेहनत करते हैं
मैं गौहर भाई को तो मैं बहुत सलाम करता हूँ, पर उनकी पूरी फैमिली को, उनकी वाइफ को स्पेशली, जो इनके पूरे पूरे मोहल्ले को उठाकर गौहर भाई ले आते हैं सबके लिए, कि उनकी खिदमत की है, पर भाभी है तो पूरा सबको संभालती है। एंड रही बात एजुकेशन की और अपॉर्चुनिटीज की, क्योंकि आज बहुत पहले के जमाने में कम्युनिकेशन बहुत कम हुआ करता था। अगर कोई बच्चा लंदन चला गया तो उससे फोन पे बात करने के लिए आपको 36 रुपए मिनट के हिसाब से बात करना पड़ता था, इसलिए बात कम होती थी, ऐसा लगता था कि रिश्तेदार दूर चला गया है। पर आज पूरा पूरी पूरी दुनिया वाईफाई पे चल रही है। मैं तकरीबन एक साल था घर से दूर, पर कभी भी ऐसा लगा नहीं कि हम दूर थे, क्योंकि फेस टाइम, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल के ऊपर आप कभी भी कुछ भी रहा बात कर सकते हैं। बाजाता यूट्यूबर्स जो आज हमारी टीम है यहाँ पर, आप लोग के सबसे ज्यादा व्यूज अगर कहीं देखे जाते हैं तो वो लंदन में देखे जाते हैं। पूरे औरंगाबाद का जो आपके शहर का पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जो भी डेवलपमेंट है शहर के, वो लंदन के औरंगाबाद ही बैठ कर देखते हैं, और फिर बैठ के वहां पर चर्चा चलती है कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। तो ऐसा जितने लोग, जितने बच्चे यहाँ पर जाना चाहते हैं, मैं बहुत से औरंगाबाद के बच्चे और बच्चियों को पहचानता हूँ जिनकी चाह है कि वो लंदन जाके पढ़े, और उनके माँ बाप उनको जाने नहीं दे रहे हैं कि बच्चा घर से दूर हो जाएगा नहीं। तो ये गारंटी मैं गौहर भाई के सर्विसेज के, अगर आप दूर जाएंगे तो ये लिटरली अगर आप एक घर से दूसरे घर में भेज रहे हैं वैसा ही समझिएगा। दूसरी चीज ये है कि गौहर भाई सिर्फ आपको एडवाइस नहीं देते, कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि एडवाइस देना, और ये खुद ग्राउंड पे उतर कर आपको ले जाएंगे, आपको बताएंगे ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। मैं खुद पर्सनली कम से कम 10 से 12 बच्चों से पर्सनली मिल चुका हूँ, जिनके आज घर में लंदन में लंदन वाला चूल्हा अगर जल रहा है तो वो इनकी गाइडेंस की वजह से। एंड इनकी स्टोरी ऐसी है कि गौहर भाई कोई प्रिविलेज के साथ लंदन नहीं गए थे, कोई उनके पास ज्यादा कोई फाइनेंशियल बैकिंग थी नहीं जब वो लंदन गए थे। मुझे जितनी कहानी उनकी पता है, मैं खुद इनके एक बहुत साथी है रिजवान भाई बोलकर, उन्होंने मुझे कौन सा स्टेशन है गौहर भाई, फ्रैंकफर्ट स्टेशन है, बहुत बड़ा एक वहां का लोकल एक स्टेशन है वहां का, तो वहां के स्टेशन पर एक किराने की दुकान थी, तो वहां पर गौहर भाई रोज सुबह 5 बजे उठकर वहां पर जाते थे, और उस दुकान का सेल गौहर भाई अपनी तकनीकों से, अपने 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 दिमाग से उन्होंने उस सेल को डबल कर दिया। तो वो दुकान वाला 20 साल के बाद भी अगर गौहर भाई से कुछ बोले तो वो मान लेता है। तो औरंगाबाद के जितने बच्चे आते हैं गौहर भाई पहले टेस्ट कराने के लिए वो दुकान में भेजते हैं उसको, कि देखते हैं कि ये डबल करता है कि नहीं, अगर डबल नहीं हुआ तो फिर गौहर भाई बोलते बेटा तू वापस चले जाओ औरंगाबाद, तेरा यहाँ कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि लंदन पहुंचना शायद अब आसान हो चुका है, पर लंदन में टिकना आसान नहीं रहा है। वहां पर आप शायद पढ़ लें 1 साल, पर उसके बाद अगर आपको नौकरी चाहिए तो वो बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से गौहर भाई ने पूरे मराठवाड़ा हैदराबाद के पूरे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कम से कम जो 30 से 40 जो उनके अंडर बच्चे काम कर रहे थे, 5,000-5,000 pounds, 4,000-4,000 pounds की सैलरी कमा रहे थे, इंडियन रुपीज के हिसाब से 4.5-5 लाख रुपए की सैलरी पर महीने, ये सब गौहर भाई के थ्रू उन बच्चों को जाती है। तो ये सब इन्होंने जो सिस्टम तैयार किया है 20 साल की मेहनत में, मुझे याद है कि हम 1.5 साल पहले ही बैठ के बात कर रहे थे कि ये अगर आप माँ बाप को कॉन्फिडेंस दिला सके अपनी तरफ से कि आपका बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और मैं देखूंगा, तो वो बहुत सारे माँ बाप उसमें एग्री कर जाएंगे। एंड क्या है, अगर हमारे शहर के बच्चे अगर वहां पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शहर की तरक्की होगी, शहर का ही नाम पड़ेगा। और लंदन में हमारे मेरे रहने में हमने औरंगाबाद एसोसिएशन इन लंदन हमने एस्टेब्लिश की थी, जिसके प्रेसिडेंट भी गौहर भाई थे। कल को कोई लंदन में स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई स्कैम हो गया हो, कोई चोरी हो गई हो, जैसा ऊपर नीचे हो गया हो, तो गौहर भाई की सदारत में वो बच्चे के पूरे मसले मसाइल पूरे सॉल्व किए जाते हैं। मैंने तो उनको कहा था कि पता करिए अगर लंदन में मजलिस रजिस्टर होती है तो वहां से इलेक्शन भी लड़ लेंगे गौहर भाई पर हालांकि औरंगाबादियों का एक बहुत यूनिक उनके अंदर एक फीचर है कि वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाए उनका दिल हमेशा औरंगाबाद में ही लगा रहता है। तो कल को अगर हमारे वालिद साहब के खिलाफ कोई बोल रहे तो गौहर भाई लंदन से रैली देते हैं गुस्से में आकर कि ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने, ये कैसे कर दिया। पर ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस था उसमें गौहर भाई का कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं,
और जब जब हम घर से दूर अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो हमें घर की बहुत याद आती है। तो मैं गांव में को हर एक महीना दो महीने कॉल किया करता था, उनके घर पर जाकर एक दिन उठता था और मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं घर से इतना दूर हूँ, क्या दूर हूँ। इन्होंने मुझे बिल्कुल लंदन में घर जैसा माहौल दिया और सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ पर कवरेज भी खड़े हैं कैसा खान साहब के बेटे हमारे कॉर्पोरेटर के, वो भी बताएंगे कि तो जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा। ये बच्चों को भी लगा ही नहीं कि हम घर से दूर है या हमें घर वापस जाने की जरूरत है। मुझे आज भी याद है, हम दोनों एक दिन बैठ के बात कर रहे थे, कवरेज बोल रहा था कि मुझे घर की याद आ रही है, मुझे वापस जाना है। तो फिर हमने बैठ के होकर उसको समझाया कि तो भाई थोड़ा सा अगर तुमने यहाँ वक्त निकाली है तो फिर लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। अब आप सोचिए, गौर भाई 20 साल पहले किराने की दुकान को का रेवेन्यू डबल कर रहे थे, आज माशाल्लाह से लंदन में बेंटली चला रहे हैं गौर भाई। ये एक बहुत तरक्की की बात है कि ये हमारे शहर से है। जब कोई हमारे शहर से नाम करता है कि ऐसा लगता है कि हमारे घर से कोई नाम करता है। तो हमारी कोशिश यही है, दुआ यही है कि इस ज्योति ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी के जरिए हम और बहुत जल्दी पैदा करें जो लंदन में जाएं, कनाडा में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं और अपना नाम करें और शहर का नाम करें। शहर का नाम बढ़ेगा तो हम सबका नाम बढ़ेगा। इसी के साथ साथ मैं अपनी जगह लूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, एक बार फिर आपको मुबारकबाद दूंगा। मैं एडवोकेट साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और आप अपने यूके के जो एक्सपीरियंसेस है वो भी जरूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ज्योति ग्रुप जो कंसल्टेंसी की जो है स्टार्ट वो लोग कर रहे हैं। बहरहाल जो है बिलाल की जो है स्पीच सुनने के बाद मुझे अब थोड़ी सी कंप्लेन करना पड़ेगी गौर भाई से, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था जब मैं गया था तब मुझे स्पेशल सर्विस मिली है, लेकिन मेरे पास कोई आया नहीं था तो मुझे पता नहीं चला कि सबको मिलती है उनके सर्विस। मैं प्रोग्राम के सिलसिले में यूके गया था, जब मैं यूके गया तो मुझे पता नहीं था कि गौर भाई वहाँ वर्क करते हैं। सूरत से वापस था, हाइट वाइट देख के पहचान गया कि यहाँ कौन सा रिलेटिव है उनके, लेकिन मुझे कॉल आया हुआ जब मैं यूके गया कि वहाँ मिलना चाहते हैं, लंदन में हम लोग रहते हैं। तो मुझे ये भी पहली बार पता चला कि लंदन में गौर भाई लोग रहते हैं। फिर लंदन का नाश्ते भी खाया हमने, जैसा लाल ने कहा था और गौर भाई ने प्रोग्राम रखा था उसमें हमने खाया और एक अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। बहरहाल मुझे फिर पता चला कि गौर भाई का एक सोशल कैरेक्टर है या वो सोशल वर्क करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी खुशी हुई थी वहाँ। काफी शायद से जब गया था तो 35 से 40 अहमदाबाद के लोग जमा हुए थे और एक नानकले का प्रोग्राम वगैरह का हुआ था। इनाम रोटी इतनी अच्छी नहीं बनी जाती किसी वजह से, इसलिए कि वहाँ कुछ हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश थी। तो इससे मैं कह सकता हूँ फिर जब यहाँ मुझे पता चला कि गौर भाई इस तरह से कोशिश शुरू करे तो मुझे खुशी हुई। मैंने उनसे कहा भी, रोटी का मुलाकात भी, कि अब तक हो ही रहा था ये कंसल्टेंसी के लिए लोग पूना जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं और वहां भी अगर जाते हैं तो बेसिकली वो जो लोग वर्क करते हैं उनका वहां जिसको कहेंगे बच्चा जहाँ जा रहा है ऑफिस नहीं होते जनरल, यहाँ से वो किसी के थ्रू टायर करते हैं और बच्चे को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मैंने ये कहा कि आप क्योंकि यहाँ खुद मौजूद है तो ये बड़ी बात रहेंगी हम लोगों के लिए, जो बच्चों को लोग भेज रहे हैं कि जब यहाँ से बच्चा जा रहा है आपके थ्रू तो वहां भी उसको टेक केयर करने वाला कोई ना कोई मौजूद है, ये इसकी खसूसियत रहेंगी मैं समझता हूँ। या ये यूनिक पॉइंट रहेगा इस उसका, और ना हम लोग जनरली भेज देते हैं किसी के भी थ्रू, यहाँ उनसे कॉन्टेक्ट करें वहाँ के अलग अलग होते हैं, यहाँ के अलग अलग होते हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये एक यूनिक फीचर रहेगा इसका कि यहाँ जो जहाँ ऑफिस से आपको वहाँ कंसल्टेंसी वहाँ भेज रही है वहाँ खुद वहाँ लोग मौजूद है जो उस बच्चे को रिसीव करेंगे और एजुकेशन हेल्प करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसके थ्रू एक एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट आएगा रीजन का पूरे यादव, बच्चे हमारे पढ़ने जाना चाहते हैं और कभी कभार होता है यहाँ से जाते हैं साल दो साल से धक्के खाने में चीजों को समझने में लग जाते हैं। तो ये एक फायदा होगा कि जब वहाँ यहाँ से स्कूल जाएगा वहाँ एक आदमी बैठा होगा जो जानता है किस कल्चर से बिलोंग करता है, किस रीजन से आया है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी फिक्र है। मैं समझता हूँ इसका इंशाल्लाह ज्यादा जो है फायदा होगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और गौर भाई को और पूरे उनके साथी जो लोग भी मौजूद है यहाँ और वहाँ, ये एक अच्छी शुरुआत की है, इससे एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट यकीनन जो है रीजन में आएगा। और लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर बच्चों को जो बाहर भेजना चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है जो बिलाल ने कहा कि कोई ना कोई हो जो इससे हम कहें कि हाँ आपके भरोसे भी हम छोड़ सकते हैं बच्चों, ये बड़ा होता है लोग डरते हैं बच्चों को बाहर भेजने के लिए। तो एक अच्छा मौका है गरीब औरंगाबाद के लोगों को बल्कि भाड़ा के लोगों को कि आपकी कंसल्टेंसी ऐसी है, बच्चों का यहाँ से रिक्रूट तो होंगे लेकिन वहाँ टेक केयर करने के लिए लोग
फिजिकली बहन मौजूद है, तो मैं समझता हूँ खास बात है, मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस कंसल्टेंसी को तरक्की दे और कम्युनिटी के और रीजन के अपलिफ्टमेंट के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इनके इस खिदमत को कबूल करे। तो आपकी दावा का अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं डॉक्टर बी बीमा सिंह मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। मैडम एसोसिएट प्रोफेसर है हिस्ट्री की और सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस डॉक्टर दादा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद की डायरेक्टर है डॉक्टर बीना सिंह। इतने थ्री समुदायस एंड ऑल द ऑडियंस अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आई एम हियर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी वेर आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन हिस्ट्री एज वेल एज प्रेजेंटली I'm the in-charge director for Center for International Relations. तो जैसा आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी अपने शहर की और इनफैक्ट पूरे मराठवाड़ा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। उस्मानिया के बाद जो यूनिवर्सिटी खड़ी की गई यहाँ के शिक्षण और एजुकेशन के प्रमोशन के लिए इस पूरे रीजन के, इट हैज बीन आवर मराठवाड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। और जैसा थोड़ी देर पहले यहाँ पे उपस्थित लोगों ने बताया कि नाउ इंटरनेशनली इट इज द यूनिवर्सिटीज विच आर प्रमोटेड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कॉलेजेस आर बीइंग मोर ऑर लेस एलिमिनेटेड। और इसी परसेप्शन को, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन भी शुरू किया है जिसमें हर यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेजेस का एक प्रोविजन रखा गया है। यानी कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर प्रोफेसर और उसके साथ कुछ लोगों को खड़ा किया जाता है जिनका जिम्मेदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन डेवलप करें। तो अब हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम रेगुलर बेसिस पे कोलैबोरेशन डेवलप करें जो भी हमारे स्ट्रीम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है उनसे, और हम ग्रेजुएशन के बाद ही, इनफैक्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से ही स्टूडेंट्स को ग्रूम करने लग रहे हैं। और पिछले 7-8 सालों से ये प्रोविजन हमारी यूनिवर्सिटी में शुरू है जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने के लिए खुद को तैयार करें। एंड फॉर दैट मैटर वी आर ऑलरेडी डेवलपिंग डिफरेंट MOUs एंड ऑल्सो कोलैबोरेशन एज वेल। आई एम रियली हैप्पी दैट मिस्टर जर्नी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड समथिंग in UK for that matter. When I went to UK, unfortunately I didn't know Mr. Jerry. So I just got down at London Heathrow Airport and the best part of London is the London Tube. आप वहां पे उतरिए, मेट्रो में जाइए, 5 पाउंड भी नहीं लगते और आप जहां जाना चाहें वहां पहुंच जाते हैं। तो मेरे 150 पाउंड उतरते ही बच गए थे और मेरे को रिसीव करने वाले के भी, क्योंकि उन्हें आना नहीं पड़ा। मैं गई, मैंने ट्यूब ली और मेरे को जहां जाना था मैं वहां पहुंची। और ये खास बात है यूरोप के हर देश की और इनफैक्ट अमेरिका में भी और फॉर्चुनेटली इंडिया में भी ट्यूब मेट्रो आ रही है, कई शहरों में आ चुकी है। तो इट हैज एक्चुअली, अगर आपकी एक दूरी अच्छी हो जाती है तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट बिकॉज आज की दुनिया बहुत कनेक्टेड है, ट्रांसपेरेंट है और इट इज वेरी इकोनॉमिकल फॉर मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल एज वेल। एक प्रिविलेज था आज से 50-30 साल पहले, एक प्रिविलेज था कि सिर्फ अमीर लोग, कुछ पहुंचे हुए लोग ही पूरी दुनिया में घूमा करते थे और वहां के ऐशो आराम या यहाँ वहां की कुछ ख्वाब भरी बातें सबको बताते थे। आज ये बहुत आम हो चुका है। अगर आप में एक विलिंगनेस है, आप में एक निश्चय है, इफ यू आर डिटरमाइंड कि मुझे दुनिया देखनी है, दुनिया देखनी है, दुनिया के लोग देखने हैं और दुनिया की हर कल्चर को समझना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे या बहुत ज्यादा कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा एक स्ट्रीमलाइन फॉर्मूला है, आपको एजुकेट करना है खुद को, जिस देश में जा रहे हैं उस देश के सिस्टम को समझना है और वहां के लोकल लीगैलिटीज को फॉलो करते हुए वहां पे जाना है। रहना, खाना और मूव करना बहुत आसान हो चुका है, हाँ, लेकिन अडेप्टेबिलिटी भी आप में, अडेप्टेबिलिटी यानी कि आपको सामने वाले की संस्कृति को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। हमें तहजीब अपनी और सामने वाले दोनों को समझते हुए वहां पे जाना है। तो ये बहुत अच्छा मुकाम है और जबी साहब ने एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी और एक फ्रेमवर्क औरंगाबाद में भी डेवलप किया है। और बीइंग अ यूनिवर्सिटी मेंबर, हम आपके साथ कैसे कोलैबोरेट कर पाएंगे आने वाले समय में, हम आपके काउंसिलिंग के, आपके नेटवर्क को किस तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे यूनिवर्सिटी नेटवर्क में और हमारे स्टूडेंट्स के लिए,
हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि ये भी मुकाम बना रहे. With all these good wishes, I congratulate Jati Group for their foundation and my all good wishes for their people. सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी जद्दी फैमिली को. उन्होंने जिस सिलसिले का आगाज किया है वो बहुत काबिल मुबारकबाद है. मैं बताऊं कि जिस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में जेर तालीम था, जहां मेरी तालीम 4 साल हुई है, तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि गाइडेंस का क्या मतलब, रहनुमाई का क्या मतलब. तो उन्होंने कहा कि रहनुमाई के दो मतलब हैं, एक है रास्ता बताना और दूसरा है मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना. तो इस वक्त पूरी दुनिया में दो किस्म के लोग हैं. एक तो वह है जो दूर से रास्ता बता देते हैं, इस शक्ल में चलने वाले को बड़ी दुश्वारी होती है, तो मैं दाईं तरफ मुड़ू या दाईं तरफ. लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो, ऐसी कंपनी हो, ऐसा ग्रुप हो जो मंजिल तक पहुंचा दे, बल्कि मंजिल तक पहुंचाने के बाद भी वो मुसलसल रास्ते में रहे, तो ऐसा ग्रुप काबिले मुबारकबाद होता है. आज के इस मौके के ऊपर मौजूद मौलाना सदरुल हसन साहब, हमारे एडवोकेट फैज साहब आया थी के जिन्हें एक दूसरे प्रोग्राम के लिए जाना था वो चले गए हैं, हमारे दामाद नवाब बरकत आलम साहब, दामाद इस लिहाज से कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दामाद है तो हमारे भी दामाद ही हुए थे. यूनिवर्सिटी के हमारे डॉक्टर पीना सरगर मैडम, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफे साहब, ऑस्ट्रेलिया के हमारे रिजवान साहब. मैं ये बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि मैं गौहर और उनकी फैमिली को पिछले कई सालों से मैं जानता हूं. एक कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर जब चाहा हो तो वहां राह निकल जाती है. गौहर आज जिस मुकाम के ऊपर है, मैं जितनी देर बैठ रहा था तो मैं गौहर के वालिद साहब को याद कर रहा था. लेबर कॉलोनी के एक छोटे से मकान के अंदर अपने बच्चे और बच्चियों के साथ जिस मुश्किलात से वो अपनी जिंदगी गुजारे थे, साइकिल के ऊपर वो मेरे वालिद साहब के पास आते थे. मैं इस वजह से ये बताना जरूरी समझता हूं, एक इंसान जब मेहनत करता है और पूरी ईमानदारी के साथ शिद्दत के साथ मेहनत करता है, उस मेहनत का नतीजा होता है कि गौहर जैसे बच्चे उन्हें पैदा होते हैं. आज गौहर जितने भी औरंगाबाद के हो, मराठवाड़ा के हो, महाराष्ट्र के हो, तेलंगाना के बच्चे हो, उन्हें वहां पर जिस तरह की मदद कर रहा है, मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे लंदन जाते हैं, हर एक की जबान पर यह होता है कि हम वहां पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकालते हैं, किसी ना किसी के भाई का एक कनेक्शन निकालते हैं और वहां जाते वक्त इस बात से मुतमईन रहते हैं कि लंदन के अंदर हमारा एक घर है करके. मुझे खुद ये बात मालूम नहीं थी, बिलाल ने जब बताया 20 साल पहले जब गौहर वहां पर गया था तो एक किराने की दुकान के ऊपर, यहां से जाने के बाद हो सकता है कि गौहर उसमें भी पूरी तरह से मुतमईन हो सकता था कि वहां पर फॉरेन करेंसी के अंदर वो पैसे कमा रहा था. लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम के ऊपर तीनों भाई वहां पर पहुंचे, मैं जब लंदन गया था गौहर को देखा तो मुझे जाती तौर के ऊपर इतनी खुशी हुई थी कि मेरे शहर का एक लेबर कॉलोनी का लड़का इतने अच्छे मुकाम के ऊपर. दूसरा भाई रॉयटर्स के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरा भाई वहां पर बेहतरीन एक होटल है, 5-star, 7-star होटल है उसमें अथर. तो ये तीनों भाइयों ने जिस तरीके की मेहनत वहां पे किए हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने मेहनत किए है, हम अपने लिए किए है और बस यहां पे हम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारें. उन्हें इस बात का एहसास है कि जो बच्चा छोटे शहरों से वहां पर जाता है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री हासिल करने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी यह डर सताता है
कहीं ना कहीं उनके जहन में भी ये बात होती है कि मैं मेरे लाड़ने को, मेरी बच्ची को मैं कैसा एक अलग पराए मुल्क के अंदर भेजूं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जितने भी बच्चे यहां से जाते हैं वो इस यकीन के साथ जाते हैं कि वहां पर गौहर है और गौहर पूरी तरीके से मदद करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चे, दो बच्चा, दस बच्चे के लिए। लंदन की और यूएस की अगर आप जिंदगी देखेंगे, एक बिल्डिंग में रहने वाले, एक कॉलोनी के अंदर रहने वाले, पड़ोसी कौन है कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता है। वहां का कल्चर ही ऐसा है कि आप अपने करीब के ही सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों से आप बातचीत नहीं, आपको पता नहीं वो किस कंपनी में काम करते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन वहां पर जिस तरीके से बहुत साहब एयरपोर्ट से लेके वो बच्चे की पूरी तालीम हासिल होए तक और उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि वो बच्चा वहीं पर ही अगर अपने रोजगार के ऊपर लग जाए। कितने ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्लाह रास्ते बनाने वाला है लेकिन जरिया अगर ऐसा हो तो आप देखिएगा कि कितने बच्चे आज यहां पे वहां पे तालीम करने के बाद अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी वहां पर कमा रहे हैं। और शायद उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि ये आज एक और नया वेंचर आप स्टार्ट कर रहे हैं। मैं गौहर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत सारे लोग इस इंतजार के अंदर बैठे हैं कि गौहर साहब को मुबारकबाद देना है, बुके देना है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ऐसे भी इतना कहना चाहूंगा कि गौहर साहब बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं और अनाउंसमेंट जैसा किया गया है कि हम उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे, उनसे कंडीशन ले लेने का कि इलेक्शन के वक्त के पूरे आए यहां पर। मैं मेरा भी सोच रहा हूं। खैर बहुत बहुत मुबारक जबी ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंट का, और हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि ये जो आज जिसकी शुरुआत हुई है हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर आप ऐसे ऑफिसेस खोलते रहे और एक जरिया बने जो बच्चे अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं उन्हें फॉरन में पढ़ने के लिए और वहां पर उनको अच्छी सहूलत मिल सके, इसके लिए आपकी जो कोशिश है वो यकीनन अल्लाह आपको उसका जरूर अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल। मैं सब वो तारीफें हुई तो सबका शुक्रिया बहुत बहुत जो अपना इंसिडेंट देखे है। थैंक यू।